अलैकुम व्यूअर्स, इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ एक मक्का मस्जिद अल हरम के बहुत ही मशहूर जगह, जिसको तकरीबन जो मेरे व्यूअर जो मेरे दोस्त पहले जो है ना मक्का का चक्कर लगा चुके हैं और वो तमाम जो है इस जगह को देखते हैं पहचानते होंगे। और वो जगह है म्यूनसिपल कुबरे वाले साइड पे, ये कबूतर चौक। और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो पहला अशरा है वो उसका अख्ताम आज इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये अफ्तारी से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले के मनाजिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये कबूतर चौक था और ये शराह इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड पे भी मैं आ गया हूँ। और जिस तरह की ये आपको सामने नज़र आ रहा है सीधा चलता है हरमुल हरम। और आज इन्होंने जो इधर फुहारे चलाए हुए हैं रमज़ान मुबारक की वजह से, तो उसकी वजह से इधर ऐसे समा जिस तरह की बारिश हो रही हो, मोबाइल की वीडियो भी मैं मुझे लगता है कि सही शायद ना आ रही हो, क्योंकि जो फुहारे हैं वो बड़े थे बहुत तेज़ है। दोबारा जो है ना मैं आपको लेके जाऊंगा आज शराह इब्राहिम खलीलुल्लाह की मौजूदा पोजीशन। और ये देखो आप लोगों को जगह जगह पे जो ना ये लोग सफरे लोगों ने बिछाए हुए और लोगों को जो है ना अफ्तारी तकसीम की जा रही है माशाल्लाह। तो ये जगह जगह पे जो अफ्तारी है वो तकसीम हो रही है माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत मनाजिर है। आज तारीख 11 अप्रैल 2022 और रमज़ान का जो पहला अशर है आज 10वां रोज़ा है, तो इंशाल्लाह आज जो पहला अशर है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि रहमत का अशर था। तो कल से इंशाल्लाह दूसरा जो अशर है वो शुरू हो जाएगा। अभी बार इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो कोरोना की पाबंदियाँ है वो तकरीबन तमाम ख़त्म है, तो इस वजह से जो रश है वो तकरीबन पहले जैसे जो अक्सर मैं अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, तो जो रश है वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हो गया है। ये फुहारे जिन्होंने चलाए हुए हैं थोड़ा मज़ा नहीं कर रहे क्योंकि गर्मी अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं है और उसकी वजह से थोड़ा सा बारिश का समय है, जिस तरह की बारिश हो रही हो। तो ये वो शॉप्स है इसके ऊपर रश थोड़ा सा इस वजह से भी कम है क्योंकि इस टाइम पे तकरीबन हजाज कराम जितनी भी है वो अफ्तारी कर रहे हैं मक्का मस्जिद अल हरम में, तो रश जो है ना वो इसके बाद बढ़ेगा इंशाल्लाह। जब वापस लोग अफ्तारी करके वापस आएंगे तो रश जो है ना वो बढ़ जाएगा इधर पे, लेकिन फिर भी अभी तक क्योंकि तकरीबन मेरे समय 7-8 मिनट रहते हैं तो लोगों की जो रश है वो फिर भी एक हिसाब से काफ़ी है। और व्यूअर्स इंशाल्लाह रमज़ान का जब तीसरा अशरा होगा उसमें आप लोग देखोगे कि ये जितने भी रोड्स हैं इन सब के ऊपर जो ना लोगों को इधर भी जो ना जगह नहीं मिलेगी, तरह भी जो ना वो इधर भी लोग पढ़ते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी वो टाइम में आपको दोबारा दिखाऊंगा। और इस टाइम पे हम पहुंचने वाले हैं फलस्तीन होटल, जो कि एक बड़े मशहूर होटल है, उसके ऊपर हम पहुँचने वाले। अच्छा, इसके जो पहले साइड पे है वो है शराह हिजरा, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ शराह इब्राहिम खलील। और इंशाल्लाह शराह हिजरा के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपको किसी वक्त ले कर जाऊँगा, क्योंकि अक्सर जो हजाज कराम है उनके जो होटल्स है वो साइड पर भी होते थे, ताकि वो भी अपनी यादाश्त जो है ना वो ताज़ा कराएँ। जिन होटल में रहे थे, जिन गलियों से वो गुजरे थे, वो उनको याद हो, वो उनको याद आ जाए कि हाँ, एक याददाश्त उनकी इंशाल्लाह ताज़ा कराऊंगा फिर मैं।
तो ये भी हम पहुंच गए, जो मिसफल कुबरी है उस पर पहुंच गए।